हेलो एवरीवन, वेलकम टू सरोज मिश्रा यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। असिस्टेंट प्रोफेसर रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन परमानेंट वैकेंसीज, जहां कहीं से भी बड़े नंबर पे वैकेंसीज आती हैं तो मेरे यूट्यूब चैनल पर आपको अपडेट जरूर मिलती है। परमानेंट पोस्ट है, गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी है, सैलरी 80,000 अराउंड रहेगी। अप्लाई फ्रॉम ऑल स्टेट, सब्जेक्ट्स आपको स्क्रीन पर नजर आ रहे हैं। बाकी नंबर ऑफ वैकेंसीज, कॉलेज का नाम, लास्ट डेट क्या है, एप्लीकेशन फी, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, ये सारी चीजें आगे वीडियो में हम सिस्टमेटिकली कवर करते हैं। ऑफिशियल वेबसाइट पर करियर सेक्शन है, सिंपली आपको करियर सेक्शन में जाना है। ऑफिशियल वेबसाइट पर जॉब अपॉर्चुनिटीज में अभी फिलहाल एक ही वहां पर अपॉर्चुनिटी है, अपॉइंटमेंट ऑफ असिस्टेंट प्रोफेसर ऑन रेगुलर बेसिस। रेगुलर बेसिस यहाँ पर लिख दिया, मतलब परमानेंट है। टोटल 74 पोस्ट हैं और वेरियस डिपार्टमेंट, 6 दिसंबर को पोस्ट हुई है। यहाँ पर डाउनलोड पर जब आप क्लिक करते हैं तो यहाँ पर आपको डाउनलोड हो जाती है डिटेल्ड एडवर्टीजमेंट, जिसमें सारी डिटेल्स दी हुई हैं, एप्लीकेशन से लेके लास्ट डेट से लेके फी वगैरह, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया और बाकी सभी चीज़ें। तो चलिए देखिए डाउनलोड करके ये क्या नज़र आ गया सामने। सबसे पहले हम सब्जेक्ट का नाम, उसके बाद सब्जेक्ट में नंबर ऑफ पोस्ट और इसके बाद कौन सा कॉलेज है, कहाँ पर है। इकोनॉमिक्स में टोटल 5 वैकेंसीज है, अनरिजर्व कैटेगरी में है और इसमें ST SC या रिजर्व कैटेगरी में अगर सीट नहीं है तो उसमें UR में आकर आपको एप्लीकेशन करनी होगी और आप कर सकते हैं एप्लीकेशन। UR मीन्स ओपन कैटेगरी, जनरल कैटेगरी, अनरिजर्व कैटेगरी। अब अनरिजर्व कैटेगरी में आकर अगर आप एप्लीकेशन करेंगे तो फिर आपको जो रिजर्वेशन के बेनिफिट्स मिलते हैं वो यहाँ पर शायद नहीं मिलेंगे। इंग्लिश में टोटल 9 पोस्ट है, हिंदी में 10 पोस्ट है, हिस्ट्री में 4 पोस्ट है, मैथमेटिक्स में 1 पोस्ट है, पॉलिटिकल साइंस में 5, साइकोलॉजी में 8, सोशियोलॉजी में 4, फिलोसफी में 3, कॉमर्स में 15, कंप्यूटर साइंस में 2, फ्रेंच में 2 एंड एलिमेंट्री एजुकेशन में 6। तो टोटल 74 वैकेंसीज हैं। ये वैकेंसीज आपकी आई हुई हैं जीसस एंड मैरी कॉलेज, यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली के अंतर्गत आने वाली कई सारे कॉन्स्टिट्यूएंट कॉलेजेस में जीसस एंड मैरी कॉलेज भी है। तो यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी है, इसके अंदर आने वाले कॉन्स्टिट्यूएंट कॉलेजेस गवर्नमेंट कॉलेजेस होते हैं। तो जीसस एंड मैरी कॉलेज में अगर आपको परमानेंट पोस्ट पर ज्वाइनिंग मिलती है तो मतलब ये गवर्नमेंट जॉब हो गई, परमानेंट पोस्ट है ही। गवर्नमेंट की पे स्केल है 7 पे स्केल, यहाँ पर आप देखेंगे पे स्केल दी जा रही है। अपॉइंटमेंट ऑफ असिस्टेंट प्रोफेसर इन द एकेडमिक लेवल 10 विद रैशनलाइज एंट्री पे ऑफ ₹57,707 CPC प्लस यूजुअल अलाउंसेस। दिल्ली में HRA ज़्यादा रहती है, HRA ज़्यादा होने की वजह से यहाँ पे 80,000 के अराउंड मंथली सैलरी, स्टार्टिंग सैलरी असिस्टेंट प्रोफेसर पोस्ट पर बनती है। इसकी जो लास्ट डेट रहेगी 7 जनवरी 2020, 7 जनवरी 2023 तक आप एप्लीकेशन कर सकते हैं। दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंतर्गत जो भी कॉलेजेस आते हैं इसकी लिंक यहाँ पर रहती है colrec.uod.ac.in, यहाँ पर जाकर ही एप्लीकेशन ऑनलाइन कंप्लीट की जा सकती है। इस वेबसाइट पर, इस लिंक पर जब आप जाते हैं तो कॉलेज का नाम ऐड किया होता है, वहां पर आप जाकर एप्लीकेशन कर सकते हैं। यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली से वन आफ्टर अनदर तकरीबन 4 महीने से, लास्ट 4 महीने से काफी वैकेंसीज आई, मैंने सभी अपडेट अपने यूट्यूब चैनल पर दी हुई है। चलिए अब बात कर लेते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, मैं हर वीडियो में बताती हूँ, इस वीडियो में भी फिर रिपीट कर लेते हैं कि आर्ट्स, कॉमर्स, ह्यूमैनिटीज, लॉ, सोशल साइंसेज, साइंस, लैंग्वेज, लाइब्रेरी साइंस, जर्नलिज्म, मास कम्युनिकेशन एंड फिजिकल एजुकेशन के लिए। अगर इनमें से किसी सब्जेक्ट के लिए एप्लीकेशन करनी है, वैकेंसीज अवेलेबल है, तो मास्टर डिग्री में 55% मार्क्स होना चाहिए, 55%, या अगर ग्रेडिंग सिस्टम है तो इक्विवेलेंट ग्रेड होना चाहिए। साइंस सब्जेक्ट है तो CSIR नेट होना चाहिए, अगर अदरवाइज UGC नेट क्वालिफाई होना चाहिए, मिनिमम एसेंशियल क्वालिफिकेशन में है, बट कुछ केसेस में UGC नेट या CSIR नेट से एग्जम्पशन मिलती है। एग्जम्पशन कैसे मिलती है, अगर आपके पास बी ऑप्शन में दिया हुआ है कि ए और बी, अगर आपके पास ए नहीं है, एलिजिबिलिटी ए कंडीशन मैच नहीं हो रही है, तो बी में है, मतलब आपके पास नेट या CSIR नेट नहीं है, तो कुछ वक्त से ये ऐड कर दिया है कि अगर टॉप 500 वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग में, टॉप 500 यूनिवर्सिटी, फॉरेन यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूशन से, फॉरेन यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूशन जो कि टॉप 500 में आता है वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग में, उसमें से किसी से आपने PhD डिग्री की हुई है तो आप एग्जेम्प्टेड रहेंगे। यहाँ पे लिखा ही है एलिजिबिलिटी में ए और बी, या तो ए होना चाहिए, ए नहीं है आपके पास, सपोज ये ए नहीं है आपके पास, तो फिर आपके पास बी भी है, तो विदाउट नेट सेट भी, नेट भी आप अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद कुछ और केसेस में भी एग्जम्पशन मिलती है, वो है कि जुलाई 11, 2009 के पहले
11 जुलाई 2009 के पहले आपने एमफिल या पीएचडी रजिस्टर कर ली थी, आपकी पीएचडी अवार्ड अब आपको मिल चुकी है और जो पीएचडी आपको मिली है वो पॉइंट ए बी सी डी ई कंडीशंस को सेटिस्फाई करती है आपकी डिग्री, तब आपको नेट से एग्जेम्प्ट या सीएसआईआर नेट से एग्जेम्प्ट किया जाता है। कैंडिडेट शैल बी एग्जेम्प्टेड फ्रॉम रिक्वायरमेंट ऑफ नेट। 5% की रिलैक्सेशन, एक रिलैक्सेशन ऑफ 5% दी जाती है मास्टर डिग्री में, जो एससी कैंडिडेट है, एसटी कैंडिडेट है, ओबीसी कैंडिडेट है, नॉन क्रीमी लेयर डिफरेंटली पीडब्ल्यूबीडी कैंडिडेट है, इनको 5% की रिलैक्सेशन मिलती है। मतलब आप 50% मार्क्स के साथ भी पीजी में और नेट या बाकी कंडीशंस के साथ अप्लाई कर सकेंगे। एप्लीकेशन या शॉर्टलिस्टिंग क्राइटेरिया, इस पर मैं हमेशा सोचती हूँ कि एक अलग से वीडियो बनाई जाए, इसमें ग्रेजुएशन में कैसे स्कोर पे, कितने स्कोर पे कितना पॉइंट मिलता है, इसके लिए एक अलग वीडियो मैं बहुत जल्दी बनाऊंगी। अभी बात कर लेते हैं एप्लीकेशन फी की। एप्लीकेशन फी, इसमें इंटरव्यू रहता है, कोई भी रिटन टेस्ट एग्जामिनेशन का इशू नहीं है इसमें। एकेडमिक मेरिट लिस्ट पर आपके जो भी ये शॉर्टलिस्टिंग क्राइटेरिया यहाँ पर शो की गई है, इन्हीं सब क्राइटेरिया पे जो सबसे ऊपर आएंगे कैंडिडेट्स उनको जो है इंटरव्यू के लिए शॉर्टलिस्ट कर लिया जाता है। तो सिर्फ एक ही है रहता है फिर इंटरव्यू, मतलब आपको इंटरव्यू फिर क्वालिफाई करनी है, बाकी सारा काम है आपका एकेडमिक क्वालिफिकेशन जो है मेरिट है वो करता है, आपको सिर्फ इंटरव्यू फेस करना है। और इसके बाद एप्लीकेशन फी, इसमें बहुत सारे कैंडिडेट्स के लिए यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली में नहीं रहती है, और जिनके लिए रहती है उनके लिए 500 रुपीज नॉन रिफंडेबल फी होती है, तो फिर भी एक बार चेक कर लेते हैं कि कहाँ पर लिखा है। कुछ एफएक्यू के क्वेश्चन है ये भी पढ़ लेने चाहिए, दिमाग में कुछ क्वेरी चलती रहती है तो वो। व्हाट इज द एप्लीकेशन फी फॉर डिफरेंट कैटेगरीज? नो एप्लीकेशन फी विल बी चार्ज फ्रॉम एस सी एस टी पी डब्ल्यू बी डी कैटेगरी एंड वीमेन एप्लीकेंट्स। तो ऑल फीमेल कैंडिडेट नो फी, एस सी एस टी पी डब्ल्यू बी डी कैंडिडेट्स नो फी, एंड 500 रुपीज एप्लीकेशन फी अनरिजर्व ओ बी सी एंड ई डब्ल्यू एस कैटेगरी के कैंडिडेट्स के लिए 500 रुपीज जो है वो नॉन रिफंडेबल है। वंस फी इज पेड दैट विल नॉट बी रिफंडेड। तो इसलिए आप ठीक से पहले एडवर्टीजमेंट 18 पेजेस की ढंग से आराम से बैठ के पढ़ें, आपको सिस्टमेटिकली समझ आ रहा है, सारी चीजें क्लियर हो रही है, तभी आप एप्लीकेशन करें। चलिए आगे देखते हैं ऑफिशियल वेबसाइट कहाँ है और कैसे आप एडवर्टीजमेंट लोकेट कर सकेंगे। ये ऑफिशियल वेबसाइट है जीसस एंड मैरी कॉलेज न्यू दिल्ली में है, ये जॉब लोकेशन न्यू दिल्ली रहेगी। और इसी ऑफिशियल वेबसाइट पे सबसे नीचे स्क्रॉल डाउन किया मैंने डायरेक्टली, यहाँ पे करियर इग्नू है, इग्नू के ऊपर करियर है, करियर्स पे जैसे ही मैंने क्लिक किया तो वन पेज ये ओपन हो गई, जीसस एंड मैरी कॉलेज न्यू दिल्ली जॉब अपॉर्चुनिटी। मैंने करियर सेक्शन में फिलहाल सिर्फ एक ही अपडेट है, वो है 74 असिस्टेंट प्रोफेसर रिक्रूटमेंट अपॉइंटमेंट रेगुलर बेसिस, 6 दिसंबर की डेट से अपडेट किया हुआ है। और यहाँ से डाउनलोड करते हैं तो एडवर्टीजमेंट डाउनलोड हो जाती है 18 पेजेस की, जिसको पढ़ के फिर आप एप्लीकेशन के लिए लिंक इसी में दी होती है। मैंने फिर से रिपीट कर दूं, पहले भी बताया एडवर्टीजमेंट में ही लिंक बताया रहता है सबसे फर्स्ट फ्रंट में, यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली में तो वैसे ही रहता है, एक ही लिंक है जिससे सभी यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली के कॉलेजेस के लिए एप्लीकेशन होती है, colrec.uod.ac.in, इस पे जाके आप एप्लीकेशन अपनी कंप्लीट ऑनलाइन कर सकते हैं। बाकी सभी डिटेल्स मोस्टली मैंने वीडियो में कवर की है आपके लिए, आप वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक आप समझते हैं तो ये इस एडवर्टीजमेंट के लिए नहीं, आगे भी कोई भी एडवर्टीजमेंट कहीं से भी आती ऑल इंडिया लेवल पर तो उसमें कैसे फिल करना है, क्या उसकी रिक्वायरमेंट होती है, ये सारी चीजें आपको सिस्टमैटिकली समझ में आ जाएंगी। आप सभी को बेस्ट विशेष, थैंक यू वेरी मच। ये लिंक आपको ऑफिशियल वेबसाइट की मेरे इसी यूट्यूब वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स को नीचे तक स्क्रॉल डाउन करके चेक करें, लिंक आपको मिलेगी। विकिपीडिया से मोस्टली आप लिंक ले लिया करें, ऑथेंटिक रहती है काफी। और मेरे यूट्यूब वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो है वो भी विकिपीडिया से ली हुई लिंक है, उससे भी आप डिटेल्स चेक कर सकते हैं। आप सभी को बेस्ट विशेष।